नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बिना परमिशन के मसाल जुलूस निकालने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने के आरोप में थाना मुगलपुरा पुलिस ने पूर्व महानगर अध्यक्ष के साथ साथ तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल देर शाम समाजवादी पार्टी महानगर के आह्वान पर मुगलपुरा क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से एक मशाल जुलूस निकाला गया था। सपाइयों ने गुजरात के बिल्किस बानो केस के आरोपियों को रिहा करने के मामले में अपना विरोध दर्ज कराया था। कई दर्जन सपा कार्यकर्ता अपने हाथों में मसाल और बिल्किस बानो से जुड़े पोस्टर लेकर बड़े जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए शहर की सड़कों से निकलकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। कल एक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था कुछ लोगों द्वारा और उसमें सुसंगत धाराओं में बिना परमिशन निकालने के हमने मुकदमा लिखा है और जुलूस का जो प्रायोजक था उसको हम गिरफ्तारी करेंगे उसकी और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी लोग के खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है वो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सर कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा? प्रदेश के खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें बलरामपुर के हिंदुस्तान बजाज चीनी मिल की अनियमितता को लेकर उन्होंने कहा कि चीनी मिल के द्वारा जो अनियमितताएं और भुगतान में देरी आ रही है वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है। हम जल्द से जल्द इस मामले में एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। दरअसल ये बात मंत्री सतीश चंद शर्मा ने अपने एक दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचने पर बोली थी। खाद्य एवं रसद विभाग के निरंतर लगभग 5 वर्षों में तमाम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तनों का यह विभाग साक्षी बना है। लगभग 3,67,00,000 राशन कार्ड धारकों के माध्यम से वर्तमान में लगभग 15 करोड़ लोगों को सरकार राशन मुहैया कराने का काम कर रही है। अभी हमने सिंगल स्टेज के माध्यम से सीधे राशन डीलर को हम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सरकार ने आरम्भ किया है, जो कि तमाम समस्याएँ जो लीकेज की बनी रहती थी उनको हमने बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना के अंतर्गत आने वाले देवीपाटन गांव में 2 प्रेमियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गांव के दक्षिण आम के बाग में पहले प्रेमी गोरखनाथ चौहान की शव मिलने सड़क का मच गया, जिसके बाद उसकी प्रेमिका के द्वारा ग्रामीणों ने उसे गांव में लेकर आए और तब उसकी मौत हो चुकी थी। सुबह 7 बजे उसी बाग में आम के एक डाल में प्रेमिका का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अपनी देखरेख में दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां गलत अल्ट्रासाउंड को लेकर एक शख्स ने जिलाधिकारी पीलीभीत से अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके बाद सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल पीलीभीत शहर के रहने वाले अमरदास ने जिलाधिकारी पुलकित खरे को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री के पेट में दर्द हुआ था। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। 13 जून 2022 को उन्होंने ओजस्वी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर अल्ट्रासाउंड कराया। जब डॉक्टर को आकर अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उसमें डॉक्टर ने पित्त की थैली में पुत्री होना बताया। अमरदास ने अपनी पुत्री का पित्त का ऑपरेशन साल 2019 में ही करवाया था और इसी दौरान पित्त की थैली डॉक्टर ने निकाल दी थी। तो ऐसे में लापरवाही सामने आई है कि जब 2019 में ही पित्त की थैली निकाली गई तो दोबारा कैसे अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पुत्री होने की बात यहाँ पर बताई जा सकती है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर की लापरवाही बताई जा रही है, ऐसे आरोप पीड़ित ने लगाए हैं। दरअसल अल्ट्रासाउंड सेंटर की लापरवाही सामने आई है। कहा जा रहा है कि यहां गलत अल्ट्रासाउंड को लेकर एक शख्स ने जिलाधिकारी पीलीभीत से अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दे डाला है, जिसके बाद सीएमओ को जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रांजल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, क्या कुछ पूरा मामला है, अब तक क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जो पीड़ित है उसने शिकायती पत्र यहां पर जिलाधिकारी को सौंपा है। जी, आपको बता दें काजोल, जिस तरीके से ये मामला है, ये थाना सुरगढ़ी इलाके का पूरा मामला है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर है डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। वही जो थाना क्षेत्र का ही एक निवासी अमरदास ने
अपनी पुत्री का जो है डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड करवाया था। आपको बता दें वर्ष 2019 में उसने पेट की थैली का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद अब 13 जून को उसकी नाबालिग पुत्री के पेट में जब दर्द उठा तो डॉक्टर की सलाह पर उसने अपना अपनी पुत्री का जो है अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया, डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ कराया है वो जैसे यहाँ। तो जो जब अल्ट्रासाउंड कराया जो रिपोर्ट जो वहाँ से मिली है उनको वो रिपोर्ट के आधार पर जो है पेटी थैली में पति होना दर्शाया गया है। फिर इसकी जो है क्रॉस चेक करने के लिए उसने अपना अपनी नाबालिग पुत्री का अल्ट्रासाउंड एक दूसरे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर करवाया, जहाँ जो कि डॉक्टर किरण तिवारी हैं उनके यहाँ जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो नॉर्मल रिपोर्ट आई। जब इस पूरे धोखाधड़ी की जो जानकारी जब इसको हुई है तो उसके बाद इस पीड़ित ने अपनी कांजन अगर हम देखेंगे तो पीलीभीत में कई तरह के ऐसे जो फर्जी सेंटर हैं वो चल रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो, या फिर कई ऐसे झोलाछाप डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं। आखिर इन पर अंकुश कब लगेगा? क्योंकि यहाँ पर इस पूरे मामले में जिलाधिकारी को सीधा लेटर लिखा गया है शिकायतकर्ता की तरफ से, तो उस पर क्या एक्शन मोड में यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से उसने जो है धोखाधड़ी की जो शिकायत जिलाधिकारी से की, जब हमने पूरे मामले की जानकारी जानी की गई, तो सीएमओ का साफ तौर से जो सीएमओ यहाँ पर आलोक कुमार जी हैं उनका साफ तौर से कहना था कि हमारे मामला संज्ञान में नहीं है, और जबकि उनको जो है लिखित शिकायत जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ को भी जो है प्रेरित किया, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कैमरे से बचते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से कहना है जब उनको पूरी जानकारी हमने बताई, हमारे द्वारा बताई गई कि इस तरीके का मामला है, तो उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कैमरे से बचते हुए वो नजर आए। लेकिन आपको बता दें इस तरीके से पूर्व में भी कई मामले यहाँ पर संज्ञान में आ चुके हैं, पैथोलॉजी लैब का भी एक मामला संज्ञान में आया था, लेकिन तमाम जो इस तरीके के मामले जो लगातार इस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से जो यहाँ का जो जिला प्रशासन है उनका जो है रवैया यहाँ पर ठीक देखने को नहीं मिल रहा। लगातार जो कार्रवाइयाँ जो की जाती है वो कार्रवाइयाँ सिर्फ कागजों में होकर के सिमट के रह जाती है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो पीलीभीत का पूरा मामला है जहां पर एक डायग्नोसिस सेंटर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर ये बताया जा रहा है जहां पर गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड किया गया है, गलत रिपोर्ट यहां पर डॉक्टर्स ने जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने दी है। जब दूसरी जगह डॉक्टर को ये रिपोर्ट दिखाई गई है तो उसमें कुछ और ही माजरा निकल कर सामने आया। कि मेरी बेटी का मामला था, वो मेरी बेटी के पेट में दर्द उठा था जिसकी मैंने डॉक्टर का नाम सचिन को दिखलाया था, उनने मुझको मशवरा दिया कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया ओजस्मी के यहाँ, तो ओजस्मी का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उनने 13/6 को, तो उसमें उनने मेरी बच्ची के पित्त की थैली में पथली बताई जिसकी मैं का नाम 2019 चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रतिनिधि के रूप में 20 सालों के कार्यकाल पर आधारित मोदी @20 पुस्तक को लेकर बलरामपुर जिले के नगर में स्थित MLPG कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता राज्य मंत्री सतीश शर्मा रहे। उन्होंने MLPG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने आमजन तक सरकार द्वारा लागू योजनाओं का लाभ पहुंचाने को अधिकारियों और नेताओं पर जोर डाला। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने MLK महाविद्यालय सभागार में मोदी @20 कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग और जन सामान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी बताई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बहुत लोगों ने लिखा और उनकी उपलब्धियों की बारीकियों को समझा है। लेकिन जब हम लोग गांव के अंदर रहने वाले लोग, जब चाहे हर घर को गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय, आवास, हर गांव को बिजली से जोड़ने की व्यवस्था, हर व्यक्ति को आवास मिले, स्वच्छ जल मिले, जब आज तमाम ऐसी जो दुरुस्त समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान
विगत 8 वर्षों में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये साथियों किसी से छिपा नहीं। इसके यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में खाद्य एवं रसद विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में विभाग द्वारा लगभग 3,67,00,000 लाभार्थियों को और 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वर्तमान में दिया जा रहा है। हमने सिंगल स्टेज की फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल के मोर्चे के निकट लगे नलकूप की झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूदा लोगों में हड़कंप मचा। युवक का जो सर है वो धर से अलग कुछ ही दूरी पर मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज थाना क्षेत्र फरुखाबाद कोतवाली अंतर्गत RML हॉस्पिटल परिसर में स्थित वाटर पंप कमरे के पीछे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना हुई। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचते हुए फील्ड यूनिट की मदद से सैंपल कलेक्ट कराते हुए अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पार्टी झूठ पट्टी की है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ। जब जेल जाने की नौबत आई तब आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी की एंट्री नहीं है, अकेले मैं सिसोदिया को भगा दूंगा। भाजपा सांसद ने जनसंख्या बढ़ोतरी की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को ताकत बनाकर कमजोरी नहीं बनानी है। आज क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। आज अच्छी नर्स चपरासी चौकीदार नहीं मिलते, क्वालिटी देने के लिए काम किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप। पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है। ये पूरी पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है और ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जब ये जेल जाने का इनका नंबर आ चुका है और वो जो जांच इनके खिलाफ चल रही है वो भारत सरकार ने नहीं शुरू की है, इनके ही एक अधिकारी ने सिफारिश की थी, उसी आधार पर जांच हुई और बहुत लंबा घोटाला सामने आया है। अब जब जेल जाने का नंबर है तो सबसे अच्छा आरोप है कि सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के आरोप लगा दे कि सरकार हमको जेल भेजेगी। अरे सिसोदिया सिसोदिया का कौन लेने वाला है यार, वो हाथ जोड़ कर खड़े हो, अकेले मैं भगा दूं, कौन लेने वाला है? सब झूठ बोलते हैं कि मुझको ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं, कौन लेने वाला है? सब घिसे हुए सिक्के हैं, पिटे हुए। मैं बताता हूं, उसको किसी ने ऑफर नहीं दिया है, वो झूठ बोल रहा है। बीजेपी ऐसे कहां जगह। बलरामपुर में पुलिस की तत्परता पर सवाल उठ रहे हैं। थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला गौरा चौराहा क्षेत्र का है। चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 25 ग्राम सोना पार कर दिया। घटना के बाद पीड़ित व्यवसायी ने थाने में तहरीर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना के घंटों बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गोंडा का दौरा किया। निजी विद्यालय में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग एक भी घटना त्रासदी है, फिर दूसरी घटना आंकड़े हैं। इन घटनाओं का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल तो 100% साक्षर है। यूपी में भी बड़े असर देखने के लिए मिल रहे हैं और बड़ा असर सड़क किनारे छोटे छोटे घरों में तिरंगा लगा देख कर मन खुश हो गया। असल में आज़ादी असली अमृत महोत्सव का मतलब यही है। जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, जिनका नाम भी हम नहीं जानते, उनके सपनों का भारत बनाना है। राज्यपाल ने योगी और उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में बहुत विकास हुआ है। चेतना का मतलब ही ये है कि लोकतंत्र के अंदर जो लोग नेताओं को पैदा करते हैं उनके अंदर चेतना है। अब ये भाषा बदलनी पड़ेगी। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, अब हम कोई ऐसा नहीं है कि कॉलोनी है कि जहां बाहर से हमारे रूलर आ रहे हैं और जनता अलग है और रूल करने वाले अलग है। इसको सोच को बदलिए। ये जब मैं ये कहूं कि इतनी बड़ी आबादी में ऐसी कुछ घटनाएं
कोई ये नहीं है कि कोई आसमान से गिर पड़ा। इससे ये मतलब हरगिज मत निकालिएगा कि फरुखाबाद में गंगा नहा रहे पांच युवक गंगा के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटी है। एक घंटे बाद गोताखोरों ने तीन युवकों को कुशल निकाल लिया और बाहर दो युवक जो गहरे पानी में डूब गए थे उनकी मौत हो गई। दोनों युवकों की तलाश में गोताखोरों ने काफी देर बाद शव को गंगा से बाहर निकाला। जालौन के नैनपुरा प्राथमिक विद्यालय में नशे में धुत टीचर ने विद्यालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशे में धुत सरकारी टीचर सत्याग्रह करना चाहता था, साथ ही टीचर ग्रामीणों को गालियां दे रहा था। टीचर जातिवाद की अवधारणा से प्रेरित अपने आप को बता रहा था। नशे में धुत सरकारी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो जालौन से ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जालौन के नैनीपुरा प्राथमिक विद्यालय में नशे में धुत टीचर लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। नशे में धुत सरकारी टीचर सत्ता ग्रह करना चाहता था, साथ ही जो टीचर थे वो ग्रामीणों को यहाँ पर गाली गलौज कर रहा था। टीचर जातिवाद की अवधारणा भी बता रहा था और अपने आप को सवर्ण कह रहा था। नशे में धुत सरकारी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैद, जालौन से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक टीचर का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, ये वीडियो कब का है, इस वीडियो पर क्या कुछ एक्शन लिया गया? जी मैं बता दें, पूरा मामला जालौन के प्राथमिक विद्यालय नैनपुरा का है और ये वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल करा है। इसमें कुछ डेट पक्की नहीं, ये कब वायरल हुआ, इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन हुआ है जैद अब तक? जी आला अधिकारियों ने ध्यान में लिया हुआ है पर कोई अभी उस पर एक्शन नहीं हुआ। शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जालौन की तस्वीरें जिन दिनों तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर एक टीचर का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दे रहा है और ये टीचर नशे में धुत बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।